और अब बात महाराष्ट्र की, क्या मुहर लगेगी धर्म पर? महाराष्ट्र के चुनाव में बजरंग बली, मंदिर, मस्जिद, लाउडस्पीकर, शिवाजी, सभी को एक साथ लेकर नेता उतर पड़े। हमारा हर साथी आपकी शाना बसाना और आपकी कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है, पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी अच्छी सीटों से हम लोग जीते और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन जीतने के बाद भी आप हजरात की कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी को आप निभाओगे तो हमको खुशी भी होगी और आइंदा हमको भी बल मिलेगा, जोश मिलेगा। क्या आप इसी तरह धर्म की बिसात बिछाकर वोट की चाले चली जा रही हैं, जहां नितेश राणे की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया जाता है और उद्धव की पार्टी पर निशाना साधकर लिखा जाता है हिंदू विरोधी सेना? हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, सवाल जरूर पूछते हैं, क्या धर्म का सहारा लिए बिना वोट नहीं मिल सकता? धर्म के नाम पर यह एकजुटता वोट की चर्चा तक कैसे पहुंचती है? इसलिए राज ठाकरे को सुनिए, जिनकी पार्टी दो चुनाव से महाराष्ट्र में एक सीट से आगे जीत नहीं पा रहे, वो भी दावा करते हैं कि सत्ता मिली तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा देंगे। मेरी तुम्हारा आता संग तो राज ठाकरे सा शब्द है, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। बयान के एक एक्शन पर रिएक्शन आता है, मतलब ये सब बहुत ही चीप और सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये? अब इनका मस्जिद का लाउड स्पीकर बन देंगे, कोई बता मुसलमानों को मार देंगे, कोई बता एनआरसी ला देंगे। इन लोगों को संविधानिक व्यवस्था मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमने हमारा संविधान यह कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पर प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। और फिर शुरू हो जाता है धर्म के नाम पर रक्षा का वादा करके वोट मांगना, जैसे अब एक और चुनावी राज्य में बजरंग बली मुद्दा बनाकर उतार दिए गए। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी, और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है, किन कारणों से? जब बात हिंदू और हिंदुत्व की आती है तो फिर अपने हिंदुत्व को बड़ा दिखाने की सियासी होड़ मच जाती है। उनकी सोच की पहुंच कहां तक है वो दिखाई दी गई है, और उनको तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा लगाकर ही राज करना है, हमें वैसी बात नहीं करनी है, और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। दीवार फिल्म का एक डायलॉग याद करिए, अमिताभ बच्चन ने कहा मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर ने कहा मेरे पास माँ है। लेकिन आज की सियासी पिक्चर में अगर एक तरफ से कहा जाता है कि मेरे पास महिला भत्ता है, सस्ता सिलेंडर है, किसान कर्ज माफी है, बेरोजगारी भत्ता है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि हमारे पास भी यही है, बस 100-500 रुपए ज्यादा। ऐसे ही वादों पर वोट युद्ध महाराष्ट्र में चल रहा है, जहां महायुति यानी एनडीए कहता है कि महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देंगे, इंडिया गठबंधन ने 3000 रुपए महीने देने का वादा कर दिया। एनडीए वादा करता है कि पुलिस भर्ती में 25,000 महिलाओं को जगह मिलेगी, उनकी भर्ती होगी, तो विपक्ष का वादा आ जाता है कि सरकारी बस में महिलाओं को फ्री यात्रा करा देंगे। किसानों को अपने पाले में लाने के लिए एनडीए कर्ज माफी का वादा करती है, तो महाविकास अघाड़ी भी 3 लाख तक कृषि कर्ज माफी का वादा कर देती है। युवाओं का वोट पाने के लिए एनडीए ने 25 लाख रोजगार का वादा किया, जवाब में विपक्षी गठबंधन हर महीने 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करता है। सामाजिक तौर पर देखें तो बुजुर्गों को 2100 रुपए महीना पेंशन देने का वादा एनडीए करता है, जाति गणना और आरक्षण को 50% के पार ले जाने का वादा महाविकास अघाड़ी ने किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं ने लाड़की बहन योजना के बारे में बहुत ही निंदनीय बयान दी। कई नेताओं ने कहा कि यदि हम सत्ता में आएंगे हम इस योजना को बंद करेंगे। कई नेताओं ने और उनके कार्यकर्ता कोर्ट में जाकर इस योजना को बंद करने की कोशिश की। उन्होंने
तो आज एक प्रकार से आप कह रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ऐसी योजना ला रहे हैं, लेकिन फिर उसके यदि वे इस गंभीरता से इस योजना को आगे ले जाना चाहते हैं, अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं, तो कोर्ट में इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? महायुति वाले डर डर के जी रहे हैं, कोई हिम्मत नहीं है। ये 56 इंच का सीना बिना जो है ना, वो दिल्ली में भी खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया, यहाँ 5 इंच का सीना भी नहीं है। खोखला, ये क्या हमसे लड़ेंगे? हमने कुछ घोषणा किया तो तुरंत दूसरा घोषणा करेंगे। अरे आप सरकार में है ना, तो सरकार जैसी बात करो भाई। उधर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव में संविधान वाला दांव फिर चला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करने में जुटे हैं। जवाब में बीजेपी ने खबरदार करते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान के नाम पर अराजकता फैलाने में लगे। विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अराजकता कैसे फैले, इसका प्रयास ये लोग करते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं।